गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन का। गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाया था, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया था, ठीक है, और फिर उनके डिफरेंस की बात की थी। अब आपके पास उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल और ये मैं आपको कराऊंगी बहुत अच्छे से बिल्कुल। और नेक्स्ट आपको मिलेगा आपका टास्क, वो आपको नोट्स में मिलेगा, वो आपको खुद सॉल्व करना है। जिन बच्चों को डाउट हो वो पूछ लेंगे। ओके बेटा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, ठीक है, उसमें टोटल जो डिवीजन है, स्केल डिवीजन वो है 100। तो यहाँ पर डिवीजन किसकी वैल्यू दे दी गई है वो हम लिखते चलेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले गिवन है बच्चों एन नंबर ऑफ डिवीजन आपको 100। कितने डिवीजन है बेटा? 100। उसके बाद कहता है करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। ओके, तो करंट सेंसिटिविटी होती है IS, IS इक्वल टू 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। उसके बाद कहता है VS, VS होती है वोल्ट, वोल्टेज सेंसिटिविटी VS, बोलो बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी VS 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। इसका मतलब मैं समझाऊंगी आपको। फिर कहता है व्हाट अडॉप्शन, अडॉप्शन होता है कि हम क्या मेथड अपनाएं, व्हाट अडॉप्शन आर रिक्वायर्ड टू रीड, हमें रीड करना है फर्स्ट पार्ट में 5 एम्पियर फुल स्केल के लिए और 1 डिवीजन पर वोल्ट के लिए, ठीक है, यानी सॉरी 1 डिवीजन पर वोल्ट, एक वोल्टेज दे तो एक डिवीजन आए, तो इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है बेटा। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले आपके पास जो गिवन टर्म्स है वो आपने नोट कर ली। ओके, तो हमें पहचानना है इसमें कि हमें क्या क्या गिवन है बेटा। चले स्टार्ट करें, तो देखिए बेटा एन नंबर ऑफ डिवीजन में तो कोई डाउट नहीं है। आई एस करंट सेंसिटिविटी होती है एक एम्पियर में कितना, सॉरी एक एम्पियर करंट लेने में कितने डिवीजन, तो यहां से कह रहा है 10 डिवीजन है मिली एम्पियर के लिए। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख लू बेटा, 10 डिवीजन अपॉन में मिली एम्पियर, तो मिली को हटाऊं तो क्या 10 की पावर -3 लगाऊंगी और ऊपर ले जाऊं तो क्या ये 10 इंटू में 10 की पावर +3 हो जाएगी, बोलो बेटा। तो यहां से कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 डिवीजन पर एम्पियर, एक एम्पियर में इतने डिवीजन, ठीक है बेटा। चलिए आ जाइए वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, चलते हैं 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, तो मिली को हटाया 10 की पावर 3 और इसको ऊपर ले गए तो 2 इंटू में 10 की पावर 3 डिवीजन पर वोल्ट, 2 इंटू में 10 की पावर 3 डिवीजन पर वोल्ट। ओके बेटा, साइड में मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप इन फॉर्मूलों को जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे, जितना न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, उतने ही ये फॉर्मूले आपको याद होंगे। सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होता है, उसका दूसरा रिलेशन जो नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड है बेटा। ओके, वीएस वोल्टेज सेंसिटिविटी, फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी का ये रिलेशन, फिर फिगर ऑफ मेरिट के आया था जो आई अपॉन में थीटा था जो रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी था, फिर आईजी ये आपका फुल स्केल करंट है, आईजी फुल स्केल करंट गैल्वेनोमीटर का, तो यहां से एन इंटू में के, तो ये फुल स्केल करंट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का जब आपने उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है, ना वोल्टमीटर बनाया है ना उसको एमीटर बनाया है, ठीक है, तो हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, उसके बाद गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया तो कितना शंट होगा और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाया तो कितना रेजिस्टेंस सीरीज में होगा। शंट का मतलब अपने आप में ही लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ठीक है बेटा। तो चलिए, तो जो वैल्यू यहां से मुझे मालूम है उनसे सबसे पहले मैं निकाल सकती हूँ के फिगर ऑफ मेरिट जो करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/IS होता है। के क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि के की हेल्प से मैं वहां पर आईजी निकाल सकती हूँ, मुझे नंबर ऑफ डिवीजन पता है और मेरे पास एन ये नंबर ऑफ डिवीजन है और के की वैल्यू नहीं है फिगर ऑफ मेरिट की, तो वो वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी करंट सेंसिटिविटी की जो इसने डायरेक्ट नहीं दिया के बट इनडायरेक्ट दिया होगा बेटा। तो यहाँ से हम निकाल लीजिए इसका रेसिप्रोकल, तो के हो गया 10 की पावर -4 एम्पियर पर डिवीजन।
रीजन, बोलो बेटा के की वैल्यू निकाल ली, तो देयरफॉर यहां से क्या कर सकते हैं, देयरफॉर आई जी फुल स्केल करंट एन इंटू के, एन कितना भैया हमारा 100, तो 100 इंटू में के कितना बेटा 10 की पावर -4, तो यहां से आ गया करंट आपका 10 की पावर -2 एम्पियर, करंट आ चुका है मेरे पास 10 की पावर -2 एम्पियर। भैया मैं चेक कर लेती हूँ कि वीडियो हमारी कंटिन्यू है या नहीं, ओके सही चल रहा है सब, ठीक है बेटा। तो चलिए आपने आईजी निकाल लिया, ओके अब कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे आ जाइए कि मुझे फुल स्केल करंट, यानी कि जब मैं उस गैल्वेनोमीटर के साथ कुछ लगाऊं तो फुल स्केल कितना आना चाहिए 5 एम्पियर, ये कब आएगा जब हमने कुछ भी कनेक्टेड नहीं किया है गैल्वेनोमीटर के साथ, ये कब आएगा आईजी, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो 5 एम्पियर करंट आए, ओके बेटा, तो उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट पार्ट के लिए आपको पता है एक गैल्वेनोमीटर के साथ जब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हो लो वैल्यू रेजिस्टेंस, तो दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए, वहां बार बार आप ये नहीं लिखेंगे, तो वहां पे फटाफट से आपको पता है कि भैया एक तरफ तो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है आई जी इंटू जी है, और एक तरफ शंट है उसका, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो शंट में करंट कितना जाएगा, बचा हुआ करंट उसमें जाएगा इंटू शंट, तो फॉर्मूला याद नहीं है तो यहां से बन गया जल्दी से आई जी अपॉन में आई माइनस आई जी इंटू में कैपिटल जी, बोलो बेटा हो गया, कर सकते हो, ओके ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, तो मैं इसको मिटा दूं। एक चीज और, अब आप कहेंगे मैम आप आई जी आपको मिल गया उसमें कैपिटल जी भी तो है, वो भी तो आपको निकालना पड़ेगा, तो निकालो भैया उसमें कौन सी बड़ी बात है, कैपिटल जी का फॉर्मूला देखो यहाँ पर अभी मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं, और नहीं लिखा तो आप बना लो यहाँ से, ये लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका वोल्टेज अपॉन करंट, बट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है जी वो हमारा होगा करंट सेंसिटिविटी आई एस अपॉन में वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए जी के लिए, तो करंट सेंसिटिविटी आई एस वोल्टेज सेंसिटिविटी वी एस, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास आई एस कितना है, दिस इज द आई एस 10 की पावर 4, और वी एस कितना है, ये वी एस है 2 × 10 की पावर 3, तो ये बच गया 10/2, तो ये बच गया 5 ओम, क्या आ गया 5 ओम, तो हमने जी भी निकाल लिया, ये देखिए मैं इसको सर्कल कर देती हूँ, ये हमने खुद कैलकुलेट किया है गिवन डाटा से, फिर उसके बाद ये भी हमने खुद कैलकुलेट किया है गिवन डाटा से, देखिए बेटा ध्यान से इन दोनों की जरूरत हमें इस न्यूमेरिकल में पड़ने वाली है, ठीक है। तो अब देयरफॉर मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ बेटा शंट का, जो अभी अभी मैंने सिखाया था कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाकी आप याद रखिए तो ज्यादा अच्छा है, आपका टाइम बचेगा इंटू में जी, तो लगा दीजिए वैल्यू, हमें आई जी मिल चुका है 10 की पावर -2, आई होने के लिए 5 एम्पियर, 5 आई जी 10 की पावर -2 इंटू में जी की वैल्यू, यहाँ से थोड़ी सी हाँ ठीक है, इंटू में जी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया आपका 5, ठीक है बेटा। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर हो गया 10 की पावर -2, नीचे डिवाइड में इसको आप लिख लेंगे 5 - 1/100, तो आप एक काम करें इसको सोल्व कर लें, तो कैसे करेंगे, एस इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 × 10 की पावर -2, तो हमने अलग रखा, और 1 अपॉन में नीचे वाली टर्म 500 - 1 अपॉन में 100, ये हमने ऐसे लिख लिया, तो नीचे आ गया ना आपके पास, और ये वाली टर्म पलट के ऊपर जाएगी, तो ये तो इसको कैंसिल कर देगा बेटा, ये वाली पावर आपस में किसी का मैच ठीक है तो मुझे बता दे, 5 × 1 अपॉन में 4 99, यानी 5 अपॉन में 4 99, ये आपका शंट वैल्यू आ जाएगा। इतने ओम का रेजिस्टेंस आपको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाना होगा अगर आपको फुल स्केल करंट इतना चाहिए, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको मिटा दूं बेटा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट
नंबर टू कि हमें जो वोल्टेज सेंसिटिविटी दे रखी थी वो तो ये 2×10³ डिवीजन पर वोल्ट, लेकिन हम चाहते हैं एक वोल्ट में इतने डिवीजन, तो जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है और V की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 डिवीजन, क्या पुट करेंगे बेटा, 1 डिवीजन पर वोल्ट। तो देखिए यहाँ से हाँ उठा लीजिए वो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला R=V/Ig-G। तो बेटा V बोलो कितना है, V कितना है हमारा 1, Ig कितना है 10^-2, 10^-2, G कितना है हमारा 5। अच्छा एक चीज और है, ये जो आता भी है ये तो यहां से एक डिवीजन पर वोल्ट है, 1 डिवीजन पर वोल्ट, डिवीजन कितने हैं 100, डिवीजन कितने हैं 100। तो यहां सर यहां V कितना आएगा हमारे पास, उस वोल्टमीटर का वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा, एक डिवीजन में इतना है बेटा, तो 100 डिवीजन में कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 100। तो यहां से आप इस R को कैलकुलेट कर लेंगे, 10^-2 है ऊपर जाके प्लस, तो ये लगभग आपका हो जाएगा 10,000-5, और फिर आप इसको सोल्व कर ले, जो भी आंसर आएगा उतने ओम आपका रेजिस्टेंस कलेक्ट करना होगा सीरीज में इस सेंसिटिविटी के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से न्यूमेरिकल आपको करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट में कह रहा है बेटा कि जो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी है, जब हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे तो जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े, कैसे वो आपको देखें। IS इक्वल टू आया था थीटा अपॉन में I, अब डीप में जाएं कि डीप में एक ओइल कैसे क्या अरेंजमेंट था, तो ये था NBA अपॉन में K, K रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट था, टॉर्क कांस्टेंट सॉरी, ओके। यहां पर VS लिखा थीटा अपॉन में V, NBA अपॉन में KG आ रहा था, ठीक है ओके। हमने क्या किया, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है, टू इंक्रीज IS, ठीक है, टू इंक्रीज IS। तो हमने क्या कर दिया, हमने N को इंक्रीज कर दिया। अब आप कहेंगे मैम जब हम N को इंक्रीज करेंगे, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, N को बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, डेफिनेटली बढ़ जाएगी, बाकी फैक्टर सेम है, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी N है। तो आप सोचेंगे मैम वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी यहां से, आप कह रहे हो कि वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी, बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी में N के साथ साथ एक फैक्टर और भी है, जी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो वायर्स का ही होता है ना, उसमें जो टर्न्स यूज हो रही है उनका जो रेजिस्टेंस है, तो N अगर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, जिस रेशो में इसको बढ़ाओगे उसी रेशो में ये बढ़ेगा, बोलो बेटा। तो यहां से जो VS है वो आपका इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों कंपनसेट कर देंगे एक दूसरे को, तो ये रेशियो आपका सेम रहेगा, जिस रेशियो में टर्न बढ़ाओगे उसी रेशियो में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उसका, तो हमारा VS इंक्रीज नहीं करेगा, VS इंक्रीज नहीं करेगा N को इंक्रीज करने से, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम एमिटर की रेंज को डिक्रीज, रेंज ऑफ एमिटर को डिक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखो ध्यान से, एमिटर की जो रेंज है उसको कम नहीं कर सकते, फॉर्मूला आया था शंट का आईजी अपॉन I-Ig इंटू में जी, ठीक है भैया, जब जी के साथ कुछ भी नहीं लगा तो उसमें करंट आईजी तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर उसके साथ हमने
पैरेलल में कोई शंट कर दिया, उसको शंटेड कर दिया तो करंट आई जाएगा, तो करंट आई जाएगा और ये आई करंट जो है अपने में से आईजी इसमें भेजेगा। इसका मतलब आई हमारा बड़ा है आईजी से, आई हमारा बड़ा है आईजी से। अब मान लेते हैं आई, लेट आई लेस देन आईजी, मान लो जब आई लेस देन आईजी होगा तो आई माइनस आईजी हमारे पास कैसा आएगा, डिफरेंस, ये वैल्यू हमारी कैसी आएगी, नेगेटिव। इससे हमें एस कैसा मिलेगा, नेगेटिव, और रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम एमीटर की रेंज को सिर्फ बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके गैल्वेनोमीटर के ऊपर बेस्ड। अब आता है आपके पास जो गैल्वेनोमीटर में आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं, वो कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट्स अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी। पहला पॉइंट जो हमारे अर्थ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अब कुछ बच्चों को पता है कि नहीं पता है कि हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये टॉपिक आप पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, फिर यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी मैं इस पर। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मूविंग कोई गैल्वेनोमीटर पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, क्यों, क्योंकि जो एमसीजी में मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, वो एक बहुत ही हाई फील्ड होता है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत वीक फील्ड होता है, बहुत स्मॉल वैल्यू का फील्ड होता है, इसलिए ये इसके फील्ड को अफेक्ट नहीं करता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में आपने ये एक मेटेलिक फ्रेम लिया था, मेटेलिक, मेटेलिक फ्रेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मेटेलिक फ्रेम उसको डेड बीट बनाता है, डेड बीट, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, यानी कि डेड एकदम से मार देना, क्योंकि इस चैम्बर में जो आपने मेटेलिक फ्रेम लिया है इसमें एडी करंट्स बनते हैं, आगे आएंगे एडी करंट्स भी, फिलहाल जो जिसका जो काम है वो सुन लीजिए। एडी करंट्स बनते हैं, ठीक है, तो वो एकदम से उसको क्या कर देते हैं, अपोज, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे बेटा आप एडी करंट्स, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा इसकी पूरी डिटेल कैसे क्या होता है, तो ये एकदम से उसको डेड बीट बनाने में उसकी हेल्प करता है। नंबर तीन, जो हमने मैग्नेट यूज किए हैं वो कंकेव शेप के क्यों किए हैं, क्योंकि वो फील्ड को रेडियल बनाते हैं, रेडियल फील्ड देते हैं हमें, ठीक है। नंबर चार, जो हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज की है उसके कोर में, वो फील्ड को स्ट्रोंग बनाती है, फील्ड को स्ट्रोंग बनाती है, ठीक है, हमें स्ट्रोंग फील्ड देता है। ओके बेटा, फील्ड कैसा मिलता है, हमें स्ट्रोंग फील्ड मिलता है। उसके बाद जो हमने फास्फोर, फास्फोर ब्रोंज मटेरियल की जो सस्पेंशन वायर ली थी, सस्पेंशन वायर ली थी, उसका के ये रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट लेस होता है, कैसा होता है, लेस होता है, ठीक है, तो वो उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। नंबर फाइव पॉइंट था आपका। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स में एक ध्यान होगा, हेयर स्प्रिंग यूज कर रखी थी ऐसे स्पाइरल सी करके, हेयर स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग का काम होता है जो आपने T1 T2 टर्मिनल दिए थे उन दोनों सर्किट को कंप्लीट करना, सर्किट को कंप्लीट करना, कॉइल को अपनी पोजीशन पे लेके आना, ठीक है, ये हेयर स्प्रिंग का काम है। तो बेटा यहाँ आपका एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, जितने भी डाउट आते हैं आप मुझसे पूछिए। ओके बच्चों, और बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज और बता देती हूँ, जो सिलेबस कट हुआ है उसमें इस यूनिट से हमारा साइक्लोट्रॉन का टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं, साइक्लोट्रॉन, तो
उसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, या आपका सिलेबस हो चुका है आपके लिए, तो साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना आपको। लेकिन उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन हमने किए थे वो पहले आ चुका है, वो कॉन्सेप्ट, जब आपने एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजा था तो वो न्यूमेरिकल्स आपको जरूर करने हैं, ठीक है। ये साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड, यानी उसका प्रिंसिपल क्या है, वो क्या काम करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग, ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी आपसे। ओके बच्चों, तो ये था आज का आपका लेक्चर मूविंग ऑयल गैल्वेनोमीटर पर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके।